टेलीग्राम काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है और कहा जाता है कि टेलीग्राम को भारत से है वो जिस प्रकार से टिकटॉक बैन हुआ उसी प्रकार से टेलीग्राम को भी है वो बैन किया जा सकता है, क्योंकि टेलीग्राम विश्व में सबसे अधिक जो यूज़ है वो भारत से ही होता है और अगर भारत से बैन किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज़र्स हैं वो आपके स्टूडेंट्स हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ न्यूज़ है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और अगर बैन हो जाता है तो इसके लिए हमारे पास में और क्या अल्टरनेटिव है, क्या हो सकते हैं, तो वो भी हम है वो जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आगामी परीक्षाओं में भी करंट अफेयर से संबंधित यहाँ से आपसे सवाल है वो कुछ सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो अगर टेलीग्राम की बात करें तो एक आपके रशियन व्यक्ति है जिनका नाम है पावेल ड्यूरोव। पावेल ड्यूरोव का जन्म मूलतः रशिया में हुआ और उसके बाद में उन्होंने पहले तो एक वीके एप्लीकेशन करके है वो ऐप बनाया था, और उस ऐप पर सरकार ने प्रतिबंध है वो लगा दिया। और सरकार ने पहले तो चाहा रशियन सरकार ने कि इस ऐप में जो भी यूजर्स के डेटा है वो हमें दिया जाए, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम यूजर्स की प्राइवेसी के साथ में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, और आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा और हित की दृष्टि से आपको उसके यूजर्स की जो प्राइवेसी है उनके डेटा है वो हम आपको नहीं दिया जा सकता है। तो उसके बाद में रशियन सरकार का इस पर पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से ये आपके रशिया से है वो भाग जाते हैं और रशिया छोड़ करके फ्रांस में है वो चले जाते हैं। और उसके बाद में निकोलाई ड्यूरोव और पावेल ड्यूराव ये दोनों भाई माने जाते हैं, और इन्होंने एक नए प्लेटफॉर्म, नए मैसेंजर जो एप्लीकेशन है उसकी शुरुआत की जाती है और उनका नाम देते हैं टेलीग्राम। और ये जो टेलीग्राम है मार्च 2013 में इन्होंने स्थापित किया और 14 अगस्त 2013 को ये वर्ल्ड वाइड आपका लॉन्च हो गया था। और आज जो टेलीग्राम है इसके विश्व में 900 मिलियन से अधिक है वो आपके यूजर्स हैं, और सबसे अधिक जो यूजर्स है वो हमारे इंडिया में ही इसके सबसे अधिक यूजर्स हैं। अगर बात करें इनका हेडक्वार्टर इत्यादि, तो ये वर्जीनिया आइसलैंड ब्रिटिश में इसका है वो आपका हेडक्वार्टर है, और इसमें ऑपरेशनल जो सेंटर है वो दुबई में है। फिलहाल जो न्यूज़ में है वो ये है कि इनको जो ड्यूरोव है इनको फ्रांस में पेरिस में इनको है वो डिटेन कर दिया गया है, पेरिस सरकार के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और इसके पीछे की जो वजह है वो ड्रग ट्राफिक जो ट्रैफिकिंग है, इसके अलावा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिंग जो इमेज इत्यादि है, इसके अलावा बहुत सारी इलिसिट जो एक्टिविटीज़ है ये बताई जा रही है, और साथ ही साथ जो आपके ऑर्गेनाइज्ड जो आपके संगठित अपराध हैं और जो आपके टेररिज्म को प्रमोशन करने जैसी जो बातें हैं, इसके अलावा जो गैम्बलिंग है, जुए सट्टेबाजी है, उस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये विशेष रूप से प्रमोट कर रहा है और इतना ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए इनको कहा जाता है वो डिटेन किया गया है। और भारत सरकार ने भी इसको लेकर के अनुसंधान स्टार्ट किया है और कहा जाता है कि बाहर से भी इसको बैन किया जा सकता है, अगर बैन किया तो हमारे पास में इसके लेकर के क्या विकल्प है वो रह सकते हैं। तो देखिए सबसे अधिक जो ये इसकी जो बात है जो सरकार और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे एप्पल की बात करें या फिर व्हाट्सएप की बात करें या टेलीग्राम की बात करें, तो इनका एंड टू एंड जो इनक्रिप्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण सरकार और इन प्लेटफॉर्म्स की विवाद का पूरा विषय है वो रहता है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन से संबंधित साइंस टेक में सवाल भी पूछे जाते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी एक मैसेज है वो फॉरवर्ड करते हैं, जब आपने मैसेज कोई भी टाइप किया तो उस मैसेज के बारे में आपको तो जानकारी है कि आपने क्या मैसेज टाइप किया, लेकिन उस मैसेज को जैसे ही आप आगे अपने मित्र को या किसी भी जिसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं उनको आपने फॉरवर्ड किया, तो जैसे ही मैसेज आपके पास से निकला उसके बीच में जितने भी बीच में आपके प्रोसेसर इत्यादि जो होते हैं उन प्रोसेसर में उन मैसेज को कोई भी व्यक्ति है वो नहीं देख सकेगा, क्योंकि जैसे ही सेंडर के पास से वो मैसेज निकलेगा वो एक विशेष कोड में है वो लॉक हो जाएगा, और वो कोड तभी खुलेगा जब वो जो मैसेज है वो अगले प्राप्तकर्ता को, रिसीवर को जो प्राप्त होगा, तो प्राप्त होने के बाद में वो मैसेज डिकोड यानी कि डिक्रिप्ट हो जाएगा, और उसके बाद में आगे आप जिसको भेजना चाहते हैं वो देख पाएगा। इसका मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जो है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी आपका एंड टू एंड एनक्रिप्ट है। इससे सबसे अधिक जो चीज़ है वो ये रहती है कि सरकार को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं चलती है कि कौन से व्यक्ति ने किसको क्या है वो कहा, क्या उसके बीच में चैट हुई, और इसको लेकर के सबसे अधिक जो है वो आपका क्या है इसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज इत्यादि होती है। व्हाट्सएप इस संबंध में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सरकार को शेयर भी कर लेता है, लेकिन टेलीग्राम ने कहा कि हम किसी भी स्थिति में यूजर को की जो प्राइवेसी है उसको हम है वो आपके डिस्क्लोज ना करेंगे, टेररिस्ट जो होते हैं उनकी भी प्राइवेसी है वो होती है, तो हम प्राइवेसी
प्रत्येक व्यक्ति की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें इसमें जो गैम्बलिंग है और जो सट्टेबाजी है वो भी देखने को मिलती है। इस संबंध में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक बार आपको आगाह भी किया था, इस प्रकार के स्पॉन्सर्ड मैसेज आते हैं जो बिटकॉइन से संबंधित जो और बहुत सारे जो आपके जुआ सट्टेबाजी से संबंधित है उस पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके जो खाते इत्यादि है वो भी साफ है वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भी टेलीग्राम पर चलती रहती हैं। और बहुत सारे जो प्राइवेसी से संबंधित अगर मुद्दे हैं, बात करें कोई भी नई मूवी रिलीज हुई, वेब सीरीज आई, तो वो भी डाउनलोड करके टेलीग्राम पर है वो स्प्रेड आउट कर ली जाती है। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपको कोर्स भी यहाँ पर है वो देखने को मिल जाएंगे, वो भी चुरा करके इस टेलीग्राम पर डाल देते हैं और नाम मात्र के शुल्क पर, या बहुत सारे स्टूडेंट और व्यक्ति हैं वो फ्री में भी इसको है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे भी एक बड़े स्तर पर जो आपके फिल्म मेकर्स हैं या वेब सीरीज है इनको भी काफ़ी है वो आर्थिक रूप से नुकसान होता है। इसके अलावा टेलीग्राम की जो सबसे अधिक जो बात है बैन होने की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे अधिक जो यूजर्स है अभी करीब 900 मिलियन से ज़्यादा इसके है वो भारत में टोटल वर्ल्ड वाइड यूज़र है, जिसमें हमारे कंट्री में इंडिया की बात करें तो 104 मिलियन से ज़्यादा है वो भारत में इसके है वो यूज़र्स है, जो विश्व में सबसे अधिक जो यूज़र्स है वो भारत में है। अगर हम रशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका इन सारे देशों को मिला लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है वो भारत के यूजर्स है इस टेलीग्राम पर देखने को मिलता है। अगर भारत से ये बैन होता है तो टेलीग्राम को सबसे अधिक जो आर्थिक नुकसान है वो भारत से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम प्रीमियम फीचर भी चला रहे हैं जिससे एक विशेष आपको जो फीस है वो पे करके एक साल में आप 1950 रुपये दे करके इसको क्या कर सकते हैं, एनुअली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन आपको 259 में मिलता है, जिससे आप स्टोरी लगा सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज इत्यादि बहुत सारी जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अगर इन फ्यूचर ये बैन भी हो जाता है तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ओम डिजिटल स्टडी के नाम से एक वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप इस QR कोड के जरिए या इसी जो आपका वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ये डिजिटल जो आपके चीज़ें हैं, व्हाट्सएप का भी कोई भरोसा नहीं है कब बैन हो जाए, यूट्यूब का भी कब बैन हो जाए, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारी जो लिमिटेशन है और इन पर जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा है, रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं। आप कोई भी अगर सेक्सुअल चीज़ें हैं, पोर्नोग्राफी इत्यादि जैसे ही इस पर डालेंगे वो यूट्यूब अपने एल्गोरिदम की वजह से सीधे ही उनको है वो डिलीट कर देगा और चैनल को भी टर्मिनेट कर देगा। तो ऐसी सुविधाएँ टेलीग्राम पर नहीं होने की वजह से मेनली इस पर ये आपकी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम देखें कि जो टेलीग्राम है ये विश्व में सबसे अधिक यूज़ किया जाने वाला चौथा जो मैसेंजर एप्लीकेशन है, सबसे अधिक व्हाट्सएप है पॉपुलर, उसके बाद में फॉरेन कंट्रीज में जो वीचैट है ये भी सबसे ज़्यादा है वो यूज़ हो रहा है, लेकिन भारत में इतना नहीं है। इसके अलावा मैसेंजर है वो हमारे देश में भी बहुत सारा यूज है, और टेलीग्राम है ये चौथा सबसे अधिक यूज है, और टेलीग्राम के सबसे अधिक जो यूजर्स हैं वो हमारे ही कंट्री से हैं। अगर बात करें टेलीग्राम भारत से बैन हो जाता है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप क्या इसके अल्टरनेटिव के रूप में हम देख सकते हैं, और इस पर क्या चीज़ें अलग हैं जो कि व्हाट्सएप में नहीं है। तो व्हाट्सएप की बजाय टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में जो ग्रुप होता है वो एक लिमिटेड होता है, लेकिन टेलीग्राम में आप सभी जानते हैं 2 लाख से 2 लाख तक जो मेंबर है एक सुपर ग्रुप के रूप में उसमें ऐड हो सकते हैं। अगर कोई भी हम PDF इत्यादि, वीडियो इत्यादि फाइल शेयर करना चाहते हैं तो केवल यहाँ पर 16 MB की व्हाट्सएप पर फाइल शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर 2 GB की फाइल है विदाउट कंप्रेशन, हम कंप्रेस किए 2 GB तक की फाइल है वो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बड़े बड़े जो आपके मूवीज इत्यादि है इसीलिए वो यहाँ पर भेजी जाती है। और दूसरी है सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ें बड़े स्तर पर 2-2 GB तक की आप इसमें सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और वो चीज़ें आप इन फ्यूचर कभी भी वापस उसको रीडाउनलोड है वो कर सकते हैं। और अगर आप उस चीज़ को एक बार डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में अपने फ़ोन स्टोरेज से उसको आप डिलीट भी कर लेते हैं तो फिर भी उस टेलीग्राम के क्लाउड स्टोरेज में वो है वो सेव रहेगी और इन फ्यूचर आप कभी भी उसको रीडाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका क्लाउड वाला जो फीचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वही एक इस टेलीग्राम को व्हाट्सएप से अलग करता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर इस प्रकार का लिमिटेड ही फीचर है, कोई विशेष फीचर है वो क्लाउड स्टोरेज का नहीं है। अगर आपने आपको किसी ने कोई वीडियो भेजा, फोटो भेजा, वो आपने एक बार डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में अपने आप फोन स्टोरेज से उसको डिलीट कर देते हैं तो व्हाट्सएप पर आप दोबारा उसको डाउनलोड है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेलीग्राम पर डिलीट करने के बाद में भी उसको डाउनलोड कर सकेंगे। और
अगर आपने कोई 2021 में या 22 में कोई भी टेलीग्राम चैनल बनाया, उस पर कोई भी कंटेंट आपने डाला, तो वो कंटेंट आप 2024 में भी उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप है उस पर इतना ज़्यादा है वो नहीं रहता है, और व्हाट्सएप आपका ज़्यादा अगर आप सेव रखेंगे तो आपकी फ़ोन की स्टोरेज है वो भी आपकी फुल हो जाएगी। तो ये क्लाउड स्टोरेज है, ये सबसे इसकी महत्वपूर्ण जो फीचर है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो फीचर्स है। चैनल्स की बात करें तो चैनल भी एक बहुत एक्सपेंसिव इसका जो इकोसिस्टम है टेलीग्राम के चैनल का, यहाँ पर अनलिमिटेड जो मेंबर्स है इस चैनल में है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल में बहुत सारे जो क्विज इत्यादि हम डाल सकते हैं, अभ्यर्थियों का चाहे तो टेस्ट भी है वो ले सकते हैं, इसलिए सबसे अधिक स्टूडेंट्स इस पर है वो जुड़े हुए हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इस चैनल के माध्यम से हम PDF, फोटो, वीडियोज़ कोई भी चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने भी अभी चैनल तो क्रिएट किया है हालांकि, लेकिन व्हाट्सएप का जो चैनल है इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं व्हाट्सएप का जो चैनल है। इस व्हाट्सएप के जो चैनल पर विशेष तौर पर अभी हम यहाँ से कोई भी चीज़ें अगर शेयर करना चाहें तो इसमें केवल फोटोज, वीडियोज़, कैमरा यानी कि स्टिकर और पोल इत्यादि भी भेज सकेंगे। जो आपकी विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इस पर हम PDF इत्यादि भेजने के अभी ऑप्शन इन्होंने वो दिया नहीं है, तो इस पर लिमिटेड चीज़ें हैं। बाकी अगर ये भारत से बैन हो जाता है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी को यानी कि व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर वो ज्वाइन करें, ताकि हमारे पास में एक कनेक्टिंग का वो एक जरिया तो हमारे पास में वो बना रहेगा। तो ये चीज़ें हैं मेनली इस व्हाट्सएप और टेलीग्राम की, और ये आपकी टेलीग्राम ने भी इस संबंध में सफाई दी है कि हम पूरी तरीके से जो यूरोपियन लॉ है उनको हम फॉलो कर रहे हैं, डिजिटल सर्विस एक्ट है उसको भी हम ध्यान में रख रहे हैं। और हमारे पास में इन्होंने कहा है कि पावेल ड्यूरोव के पास में ऐसी कोई भी चीज़ है छुपाने के लिए नहीं है जो कि हम आपसे वो छुपा रहे हैं, और निश्चित रूप से इन्होंने कहा है कि समस्या का वो समाधान हो जाएगा, और हम टेलीग्राम इज़ विद यू ऑल यानी कि टेलीग्राम हमेशा के लिए यूजर्स के साथ में है। भारत में क्या है इसको लेकर के न्यूज़ वो आइए देखते हैं। तो द टाइम्स इकोनॉमिक्स टाइम की ये जो न्यूज़ है आज ही की है, और उनमें बताया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी इलीगल एक्टिविटीज़ को लेकर के वो भारत में भी शुरू कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, इन्होंने पर्टिकुलरली टेलीग्राम पर जो इलीगल इन्वॉल्वमेंट है, विशेष रूप से आपकी जो एक्सटोर्शन और जो गैम्बलिंग, जुए सट्टेबाजी का जो कार्य हो रहा है टेलीग्राम पर देखने को मिल रहा है, तो इस संबंध में हम वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और कहा जाता है कि भारत से भी इसको वो बैन किया जाने की वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन फाइनल डिसीजन तभी पता चल पाएगा जब इन सरकार की यानी कि गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी कंप्लीट होए। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंप्लीट होने के बाद में इसको बैन भी किया जा सकता है, और इनको वापस एक अपनी गाइडलाइन भी इनको दी जा सकती है कि अगर आप इस गाइडलाइन के फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से भारत में भी आप बने रह सकते हैं। तो ये विशेष तौर पर जो चीज़ें हैं इस टेलीग्राम के बारे में है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास में यही विकल्प है कि आप व्हाट्सएप जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी कोई भरोसा नहीं है कब व्हाट्सएप को टर्मिनेट किया जाए, कब यूट्यूब को टर्मिनेट किया जाए, लेकिन ये थोड़े से अधिक जो गाइडलाइन को जो फॉलो कर रही है, इतनी जो सेक्सुअल चीज़ें हैं, टेररिस्ट की जो चीज़ें हैं, और अगर बात करें गैम्बलिंग जो है, ये एक्सटोर्शन इत्यादि, इस पर व्हाट्सएप और यूट्यूब पर नहीं हो रही है, इसलिए ये काफ़ी भारत में वो सेफ माने जा रहे हैं। लेकिन भारत में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारे के सारे आपके विदेशी जो एप्लीकेशन है वो हमारे देश में रन हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताएं, और आप क्या चाहते हैं इस संबंध में, आपके क्या विचार है कि टेलीग्राम को भारत से बैन किया जाए या नहीं किया जाए, अपने विचार भी आप ज़रूर व्यक्त करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।